हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्लास नाइन्थ का द मोमेंट से लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था। आज मैं सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ और आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस लेसन को तैयार करिए। तो आइए हम लोग देखेंगे लेसन को, समय को बर्बाद ना करते हुए पूरे लेसन को पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पैसेज नंबर 10 से अध्ययन करना है। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एक जोर से रोने की आवाज़ रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट उसके सूखे गले से निकली। एंड विद ए सडन जर्क और अचानक झटके के साथ हिज बॉडी उसका शरीर ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड वो दौड़ा जहाँ वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर वास्तविक डर से चिल्लाते हुए रोते हुए मदर फादर माता पिता टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हार्ट एंड फियर्स ने गर्म और भयानक हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर उसका मुरझाया चेहरा वॉज कन्वर्स विद फियर इन लाल हो गया डर में लाल हो गया पैनिक स्ट्राइकन अत्यधिक डर से ही रैन टू वन साइड फर्स्ट पहले वो एक तरफ दौड़ा देन टू द अदर उसके बाद दूसरी तरफ दौड़ा हिधर एंड इधर इधर उधर इन ऑल डायरेक्शन और सभी दिशाओं में नोविंग नॉट वेयर टू गो ये न जानते हुए कहाँ जाना है। मदर फादर पिताजी माताजी ही वेल्ड वह रोकर चिल्लाया हिज येलो टर्बन केम अनटाइड उसकी पीली पगड़ी खुल गई एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी और उसके कपड़े धूल धूसर हो गए। हैविंग रन टू एंड थ्रू इधर उधर दौड़कर इन ए रेज गुस्से में ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल और कुछ समय तक दौड़ा गुस्से में इधर उधर कुछ समय तक दौड़ा ही स्टूड डिफीटेड वो हार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इन टू सॉब्स और उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो सिसकियों में बदल गई। एट लिटिल डिस्टेंसेज थोड़ी दूरी पर ऑन द ग्रीन ग्रास हरे मैदान पर ही कुड सी वो देख सकता था थ्रू हिज फिल्मी आइज अपनी धुंधली आँखों से मैन एंड वुमेन टॉकिंग पुरुष और महिलाएं बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली एमंग द पचेस उसने इरादतन देखने का प्रयास किया एमंग द पचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ यानी चमकीले पीले कपड़े के धब्बों को देखने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर लेकिन वहाँ पर उसके पिता का कोई संकेत नहीं था एंड मदर और माता का मैंने पिता और माता का कोई संकेत नहीं था एवं दीज पीपल मैंने उन लोगों में हु सीम टू लाफ एंड टॉक जो बातें करते मैंने हुए दिखाई दे रहे थे वो हंसते हुए दिखाई दे रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग जैसे वो हंसने और बातें करने के लिए ही बने हों। ही रैन क्विकली अगेन वो जल्दी से दोबारा दौड़ा दिस टाइम टू अ श्राइन इस बार एक मंदिर की तरफ टू व्हिच पीपल सेम टू बी क्राउडिंग जहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस प्रत्येक इंच की जगह हेयर वॉज कंजेस्टेड यहाँ भरी हुई थी विद मैन मैंने पुरुषों से भरी हुई थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग लेकिन वह लोगों के पैरों से होकर निकला। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग उसकी छोटी सिसकियाँ अब भी ठहरी हुई थी। मदर फादर पापा मम्मी नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट हालांकि भीड़ बहुत गहरी हो गई थी बहुत भारी हो गई थी। मैन जोस्टल्ड ईच अदर लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हाई बी मैन भारी व्यक्ति विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज चमकती हुई कातलाना नजरे एंड हेप्टी सोल्स और भारी कंधों वाले द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड
द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, बेचारे बच्चे ने संघर्ष किया टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन दियर फीट, बट एक रास्ता निकालने का उनके पैरों के बीच एक रास्ता निकालने का, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो दियर ब्रुचल मोमेंट बट नॉक्ड लेकिन वो दब गया होता टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रुचल मोमेंट, उनके निर्दयता से चलने की गति में ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, उनके पैरों के नीचे कुचल गया होता हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, हैड ही मैंने जब तक अगर वो चिल्लाया ना होता, हैड ही नॉट श्रीक्ड अगर वो जोर से चिल्लाया नहीं तो एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, मैंने अपने पूरे जोर से अगर वो चिल्लाया नहीं होता तो वो उनके पैरों के नीचे दब गया होता। फादर मदर, पिताजी माताजी, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, भारी भरकम भीड़ में एक व्यक्ति हर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ को सुना, उसके चिल्लाहट को सुना, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी और बहुत कठिनाई से उठाया, स्टूपिंग पकड़ा विद ग्रेट डिफिकल्टी बहुत कठिनाई से, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स और अपने बाहों में उसे उठाया हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, यहाँ तुम कैसे आए बेटा, हूज बेबी आर यू, तुम किसके लड़के हो, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मॉस, द मैन आस्क्ड उस व्यक्ति ने पूछा एज जैसे ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मॉस, जैसे ही वो भीड़ से बचाकर निकाला, जैसे ही वो लोगों से बचाकर निकाला, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, लड़का और जोर से रोया, देन इवन नाउ मैंने उससे पहले से तेज रोया, एंड ओनली क्राइड ओके और चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, द मैन ट्राइड टू सूद हिम, आदमी ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे राउंड अबाउट मैंने गोलाकार झूले के पास ले जाकर, विल यू हैव अ राइड, क्या आप घोड़े पर बैठेंगे, ऑन द हॉर्स मैंने घोड़े की पीठ पर बैठकर घोड़सवारी करेंगे, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच डरिंग, उसने जैसे वो बाड़े के पास पहुँचा उसने बड़े प्रेम से कहा, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इन टू अ थाउजेंड सॉब्स, लड़के के गले से हजारों चीखें निकली, एंड ही ओनली शाउट और ही मात्र चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, द मैन हीडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विमिंग कोबरा, आदमी उस तरफ ले गया बच्चे को, फोर द स्नेक चार्मर जहाँ पर वो सपेरा स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, वो अभी बीन बजा रहा था टू द स्विमिंग कोबरा, लहराते हुए कोबरा के सामने, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस प्यारे संगीत को सुनो चाइल्ड, बेटा उस प्यारे संगीत को सुनो, ही प्लीडेड उसने आग्रह किया, बट द चाइल्ड सुट हिज ईयर्स, लेकिन लड़के ने अपने कान को बंद कर लिया विद हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों से, एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्टैन और अपने दोहरी गति के आवाज़ में चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर मुझे मेरी मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर मुझे मेरे पापा चाहिए, द मैन took him near the balloons आदमी उसे गुब्बारे के पास ले गया, thinking the bright colors of the balloons ये सोचते हुए कि गुब्बारे के रंगीन कलर would distract the child attention लड़के के ध्यान को भंग करेंगे and quieten him और उसे शांत करेगा, would you like a rainbow colored balloon क्या तुम्हें इंद्रधनुष कलर का बैलून चाहिए, ही परसुएसिवली आस्क्ड उसने नम्रता से पूछा, उसने द चाइल्ड टर्न्ड हिज आई लड़के ने अपनी आँखें घुमा ली फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स उड़ते हुए गुब्बारे से एंड जस्ट सॉब और मात्र सिसका आई वॉन्ट
माय मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। आई वांट माय फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये बुक में मेले को दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। इन चित्रों को देखिए और थोड़ा इसे समझिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। आदमी अब भी बच्चे को खुश कराने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट व्हेयर द फ्लावर सेलर सैट। उसे उस गेट के पास ले गया जहाँ पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर। देखो क्या तुम इन सुंदर फूलों को सुगंध ले सकते हो। चाइल्ड, बेटा, वुड यू लाइक द ए गार्डनर। क्या आपको एक माला पसंद है। टू पुट राउंड योर, अपने चारों तरफ पहनने के लिए। यानी कह रहा है कि आपको माला पसंद है अपने गर्दन के चारों तरफ पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे। लड़की ने अपने नाक को मोड़ लिया, यानी मुंह को मोड़ लिया। फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी से। एंड रिट्रीटेड हिज शॉप, और अपनी सिसकियों को फिर से दोहराया। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। थिंकिंग टू ह्यूमर में उसको हंसाने के लिए हिज डिसकंसोलेट चार्ज हिज, और उसे असंतोषता को हटाने के लिए बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का उपहार देकर। द मैन टूक हिम टू द काउंटर। आदमी उसे उस काउंटर पर ले गया। ऑफ द स्वीट शॉप, मैंने मिठाइयों के दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बेटा तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, लड़की ने अपना चेहरा घुमा लिया। फ्रॉम द स्वीट, उन मिठाइयों से। स्वीट शॉप ने उस दुकान मिठाई की दुकान से। एंड ओनली शॉप, और केवल सिसका। आई वॉन्ट माय मदर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। आई वांट माय फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज ये लेसन अब कंप्लीट हुआ। इसको पढ़िए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।